पाशपावली पुलिस थाना परिक्षेत्र में 23 वर्षीय आरोपी सुधीर वासनिक को एक साल के लिए सेंट्रल जेल में भेजा गया है, जहां सुधीर पर पहले से कई मामले दर्ज थे और उसी में सुधीर के एक के बाद एक अपराध बढ़ते जा रहे थे, जिसे देखते हुए नागपुर पुलिस ने आखिरकार सुधीर को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। खबर है उसके पिछले 7-8 साल से बहुत गुने हैं, दरोड़ा डालना, हारमैक्स के, लूट मार के, एक्सटोरेशन, ऐसे गुने हैं। उसको इसके पहले भी एमपीडी किए थे तो भी सुधरा नहीं, बाद में 110 भी कार्रवाई की है छुटके आने के बाद। उसके बाद में भी और दो गुने हैं, एक जरीपटका में भी पाशपाली में है, मारामारी का गुना है, हारमैक्स है, दरोड़ा डालने की तैयारी है, ऐसे गुने हैं। वो सुधरने की कोशिश ही नहीं है उसका, इसलिए परसों के दिन उसको वरिष्ठ अधिकारी के मार्गदर्शन में उसके ऊपर जो लीगली कायदेशीर प्रोसीजर करके उसको 25 तारीख के नाइट में उसको एमपीडी के अंतर्गत माननीय पुलिस आयुक्त, सह आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त और उपायुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त उनके मार्गदर्शन में कायदेशीर कार्रवाई करके उसको एमपीडी अंतर्गत एक साल के लिए सेंट्रल जेल भेजा गया। सौरभ सुधीर वासनिक है, उम्र 27 साल, कुराड़पेट लश्करी बाग का है। ये सुधरने की उसको दिख रहा नहीं, इसलिए फिर से उसके ऊपर एमपीडी कार्रवाई किया गया।